हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जो आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मूंग दाल हलवे की। ये शादियों में बनाया जाता है, लोग घरों में भी ट्राई करते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, लाजवाब होता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने ये मूंग धुली ली है, मूंग धुली दाल ये मैंने 250 ग्राम ली है और मैंने इसे काफ़ी अच्छी तरीके से धो लिया है। और अब मैं इसे जार में ऐड करूँगी। पानी बिल्कुल निकाल के इसका, और इस तरीके से इसे हम जार में ट्रांसफर कर देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। मैंने ये सारी दाल ग्राइंडर में ग्राइंड कर ली है अच्छे से, और अब मैं कढ़ाही में इसे भूनूंगी। तो चलिए कढ़ाही चढ़ा देते हैं। कढ़ाही को प्री हीट कर लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले खोया भूनूंगी। तो मैंने 200 ग्राम खोया ऐड किया है। कलर चेंज होने तक मैंने इसे अच्छी तरीके से भून लिया है, और इसको भूनने में जो टाइम लगा है वो 5 से 10 मिनट का टाइम लगा है। तो मैं इसे अब प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब मैं कढ़ाही में 2 टेबल स्पून घी ऐड करूंगी, और इसमें अब मैं दाल को ट्रांसफर कर दूंगी। कंटिन्यूसली 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे भूनते हुए, पर अभी ये भुनी नहीं है। आप देख पा रहे होंगे ना, इसका कलर अभी चेंज नहीं हुआ है। तो अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून घी और ऐड कर रही हूँ और फिर इसे इसी तरीके से चलाते हुए भूनूंगी। इसी तरीके से मैं इसे भूनूंगी अभी, और इसे हमें लो फ्लेम पे भूनना है एकदम, ताकि ये जले ना, और इसे लगातार चलाते रहना है। दाल को भूनते हुए तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं, और देखिए बहुत अच्छी तरीके से भून गई है। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, और इसमें काफी अच्छी तरीके से खुशबू भी आ रही है भूनने की। तो अब मैं इसमें 200 ml मिल्क ऐड करने जा रही हूँ। मिक्स कर लूंगी अच्छे से। साथ में इसमें खोया ऐड कर देती हूँ, जो हमने भून लिया था वो खोया मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो सारा खोया मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, और अब इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मुझे सारी चीजों को मिक्स करना है। तो मैं मिक्स कर लेती हूँ। खोया डालने के बाद अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। तो चीनी भी मैं 200 ग्राम ही ले रही हूँ। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो कम, या ज्यादा करते हैं तो ज्यादा, लेकिन बराबर पड़ती है वैसे हलवों में चीनी। लेकिन अगर आप कम रखना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं इसे। तो मैंने यहाँ 250 ग्राम दाल में 200 ग्राम के करीब चीनी ऐड की है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके चीनी डिजोल्व होने तक पकाऊंगी। चीनी अच्छी तरीके से डिजोल्व हो चुकी है, तो अब मैं इसमें 100 ग्राम घी ऐड कर रही हूँ। देसी घी ही यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और काफी अच्छा टेस्ट आता है इससे इसका। अब मैं इसको घी में अच्छी तरीके से भून लूंगी 10 मिनट के लिए। घी ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से सॉटे कर लिया है। अब मैं इसमें 5 टेबल स्पून के करीब ये गिरी डालूंगी, और साथ के साथ मैं इसमें ये ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने 8 से 10 बादाम लिए हैं, और 10 से 15 के करीब किशमिश लिए हैं, 10 से 15 के करीब ही काजू हैं, और 1 टीस्पून के करीब हमारे पास किशमिश है। तो मैं सब इसमें ऐड कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम ज्यादा। सारी चीजों को मिक्स कर लूंगी अच्छे से। तो चलिए व्यूअर्स, देखिए ये किस तरीके से इतना अच्छा मूंग की दाल का हलवा तैयार हुआ है, और बिल्कुल शादियों जैसा है। तो आप इस रेसिपी को घर पर ट्राई कीजिएगा। सर्दियां आने वाली हैं, तो ये सर्दियों में तो बहुत ही लाजवाब लगता है। तो ये रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।